अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ हम सुबह सुबह उठ गए हैं और नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और आज मैंने जो है कुछ सेटिंग्स अरेंज करनी थी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मैं हादी और फातिमा के बैग्स इतने गंदे हो रहे थे, मैंने सोचा 10 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हैं तो मैं इन लोग के बैग वॉश कर देती हूँ। तो मैं भी खाली करके रख रही थी, मैं खाली करके रख देती हूँ कि जब भी मैं मशीन लगाऊंगी तो मैं इनको वॉश कर दूंगी, ताकि जब 10 डेज बाद ये लोग स्कूल जाएँ तो बच्चों के जो है स्कूल बैग साफ़ सुथरे हों। ये एक तो पिंक कलर ले लेती है ये, और जो है ना फिर इतने गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को अपना होश ही नहीं होता है। टीचर्स वगैरह ही इन लोगों को लेती देती हैं बैग्स वगैरह और लंच बॉक्स वगैरह। तो यहाँ पे मैंने फातिमा का बैग खाली किया, अब इनकी बुक्स वगैरह की जगह बनाऊँगी। यह हादी का बैग है तो डार्क कलर का, इतनी नीट नहीं है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये लंच लेके जाता है ना, तो मैं तो सही से पैक करके दे देती हूँ। बाद में जो है ना ये जब वापसी लंच बॉक्स खा कर रखता है अंदर तो ये गिरा देता है लंच बॉक्स, कभी पैक करके नहीं रखता, कभी कुछ और इश्यूज़। तो यहाँ मैं ये बैग्स वगैरह खाली कर रही हूँ, सारी जिप्स वगैरह चेक करके। ये फातिमा का तो ना मेरे साथ हर काम में जो है ना आना फ़र्ज़ होता है। खैर इसको काम का अभी से बहुत शौक है, शायद वो होता है ना बच्चे मम्मा को देखते हैं काम करते हुए, तो बच्चों में भी होती है, इसको बहुत शौक है। जब मैं काम कर रही होती तो ये मुझे आके कहती है मम्मा रेस्ट कर लें, आप थक गई होंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं रोटी बना दूंगी, इस तरह से ये मेरे साथ बातें करती है ना फातिमा। मम्मा आप बड़ी हो जाओगी तो फिर क्या करोगी, मेरे साथ काम करेंगी। मम्मा आपको क्या कहती हैं, आप सिर्फ पढ़ना, अच्छा अच्छा पढ़ना और डॉक्टर बनना। ओके चलो जी, यहाँ बैग हो गए थे खाली, अब मैं इस ड्रॉस में इन लोगों की बनाई हुई है, इसी में इनके सारी बुक्स वगैरह होती हैं, वो क्लीन कर रही थी। ये बच्चों के काम ना, ये देखें ज़रा, हर जगह हादी की गाड़ियाँ, हर जगह ये हादी की सारी जो है ना बचपन के टॉयज हैं भाई, लेकिन वो इतना कोई संभाल के रखता है कि बहुत ही ज़्यादा ना। ये इसका इतना पुराना ट्रक है, जब इसकी बड़ी उम्र हज पे गई थी ना, ये वहाँ से इसके लिए लेके आई थी, सॉरी हज पे नहीं गई थी, जब उम्रे पे गई थी जब, हाँ क्योंकि वो हज पे जब गई थी तब तो हादी था ही नहीं। ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है इसकी, ये वाली। इसके अंदर और भी ना छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ भरी हुई थी, यहाँ भी इस साइड भी, तो ये इसने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, मैं अंदर रख देती हूँ, ये फिर निकाल के नहीं आता। ये जो मैंने डेस्क मंगवाई थी ये भी रखी थी, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़े दिन के लिए साइड में कर देते हैं। बहुत बच्चों ने बहुत कबाड़ा मचाना होता है, लेकिन मेरी भी गलती ये है, पहले मैंने सफाई कर ली है और मैं अब रूम में आई हूँ, तो अब मैं इन लोगों के कबाड़े देख रही हूँ, अब और कबाड़ा निकलेगा। ये इन लोगों को विंटर वेकेशन टास्क मिला है यार, इतना कोई काम दे दिया है, ये देखें आप इतना सारा काम, फातिमा का भी इसी में ही है और हादी का भी। 10 दिन की छुट्टियां दी हैं, एक हफ्ता तो उसमें वैसे ही गुजर गया है, और जो है ना ये इन लोगों की जो है ना इतना सारा स्कूल वालों ने काम दे दिया। पता भी है कि बच्चों के पास, ये देखें हर जगह गाड़ियाँ मिलेंगी, ये तो खैर फातिमा की गाड़ी है। इतना कोई सामान भर जाता है बच्चों का। अच्छा मेरे साथ साथ आप फातिमा की भी बातें सुने, क्योंकि फातिमा को गाइस जो है ना, आप लोग जो फातिमा के गाइस हैं, तो फातिमा को आप लोगों से बात करने का बहुत शौक है, तो आप लोग फातिमा से भी बात कर लें। हेलो गाइस, सलाम को, हाँ सलाम भी करते हैं ना गाइस को। ठीक है, अब मैं ये पूरी समेट लूँ जरा ड्रॉज, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, फिर दिखाती हूँ मैंने क्या किया। ये मैंने ना यहाँ कुछ जगह बना ली है, ये अब इसके अंदर देखती हूँ मैं, बुक्स वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि यार मुझे ना ये ऊपर जो कबाड़े फैले होते हैं ना, कबाड़े ही बोलूँगी इन लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना ये हर चीज़ इधर से उधर कर देते हैं, कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है। तो इसीलिए मैं जो हूँ ना फातिमा के, तो मैंने यहाँ रख दी है बुक्स, अब हादी की बुक्स की। ये फातिमा का ना बैग है, ये जब हम लोग उम्रे पे गए थे तो हमें मिला था ये एयरपोर्ट से, बहुत प्यारा सा है ये बैग, बच्चों को देते हैं ना इस तरह से मिला था। ये यहाँ है और यहाँ ये जिप है, इसके अंदर आप अपने पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये फातिमा ये ले लेके घूमती रहती हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ रख दिया है, यहाँ हादी के जमाने की कोशिश करती हूँ ड्रॉज में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बैग्स मैंने खाली कर दिए ना,
ये आ गया है, ये इनका समर वेकेशन भी आ गया है। वॉलेट आ गई है, ये कलर्स आ गए हैं। फातिमा मेरे साथ बैठी है ना, ये फातिमा के जो है ना वो कुछ ना कुछ ये शीशा जो है ना ये टूट चुका है। ये उस दिन हादी ने जो है ना ये तोड़ दिया था शीशा, मैंने बताया था। वो घर में फुटबॉल्स खेलता रहता है और बस ये हरकतें जो है ना इसकी चलती रहती हैं। तो कहते हैं कि टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं ये शीशा जो है फेंकवा दूंगी बाहर। अभी फातिमा दूर रहना बेटा, इससे हाथ कट सकता है आपका। ये बच्चे जो है ना हर जगह जो हमारे साथ होते हैं, ये देखें इस पे डस्ट कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है। वैसे स्प्रे मार के साफ कर लूं, लकड़ी है लेकिन नहीं मारना चाहिए, लेकिन डस्ट जब तक साफ ही नहीं होगी, जब तक ये थोड़ा सा गीला नहीं हो जाता। अब मैं इसके ऊपर ना कोई शीट मंगवा के लगाऊंगी, क्योंकि शीशा तो इन लोगों ने तोड़ दिया है, या तो अगर शीशा दोबारा मंगा सकी तो दोबारा शीशा मंगा लूंगी। हो गया साफ, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे जगह साफ हो गई है आराम से। हटो फातिमा, डेक्स पे हटो बेटे, डेक्स भी इन लोगों की हो गई है साफ। तो ये है कि अब ये लोग आराम से अपना काम कर लिया करेंगे उठाकर यहाँ से। मैंने यहाँ रख दिया है, घर की सफाई हो गई थी, ये सारा काम भी। जाहिर सी बात है मैं ना एक साथ पूरा कमरा नहीं फैलाती, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ पूरा रूम फैला लो ना तो फिर पूरा जो है दिन उसी में गुजर जाता है। तो जाहिर सी बात है और भी काम होते हैं दिन में घर के साथ, काम के साथ साथ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बंदा कर ले तो घर भी साफ हो जाता है आपका और चीज़ें भी सिमट जाती हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके। यहाँ फातिमा की कबर्ड के नीचे दो ड्रॉर्स हैं, तो इसमें जो है फातिमा और हादी के जो है ना ज्वेलरी वगैरह रखी है, मतलब हादी की घड़ी बेल्ट वगैरह हो गए इस तरह की चीज़। और ये पूरी भरी पड़ी है टॉयज, टॉयज टॉयज टॉयज, यहाँ भी टॉयज, अलमारी में भी टॉयज, स्टोर में भी टॉयज। मैं थक जाती हूँ इस ड्रॉर्स को, तो मैं खैर हाथ ही नहीं लगाती। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसको सब साफ किया है, जो टूटे फूटे टॉयज थे ना वो भी नहीं फेंकते हैं लोग, तो मैंने सोचा मैं ही फेंक दूँ। ये लोग घर पर नहीं थे, नानू के यहाँ गए हुए थे, तो मैंने ना इन लोगों की ये साफ़ करी और जो टूटे फूटे टॉयज थे ना वो मैंने फेंक दिए। ये देखो अब इसमें आ ही नहीं आएंगे, बहुत प्रॉब्लम करते हैं ये लोग। और कोई आ जाए ना हमारे घर पे तो फिर तो ये सारे टॉयज निकल जाते हैं यहाँ से और पूरे घर में फैल जाते हैं। और जब ये फैल जाते हैं ना तो मेहमान या कोई जो भी आया होता है वो तो चला जाता है और बच्चे सो जाते हैं थक कर, और ये सब फिर मैं रात में समेट के रखती हूँ ना। ड्रेसिंग पे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, इसको भी मैंने साफ नहीं किया था, तो अब मैं करूँगी इसको साफ सारा ये हटा कर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे घर के पास ना बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ी थी। अभी भी ऐसे ही हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, सो इसीलिए धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। और मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, बट जो परफेक्ट क्लीनिंग होती है उसके लिए तो एक दिन मखसूस होता है, यानी हफ्ते में या 15 दिन में आप टाइम निकाल के। जी आप तो मेरी हेल्प कराएंगी ना, रखें आप अभी ये सारे जो है ना, जब पहले हादी था तो हादी करवाता था मेरे साथ, लेकिन अब हादी हो गए बड़े तो वो ज़्यादातर जो है ना अपना मेरे साथ अब काम वाम नहीं करवाता, वो अपने गेम्स और इन सब चीज़ों में लगा रहता है, वो काम नहीं करवाता। ये मेरे साथ लगी रहती है माशाल्लाह। चलो ये सब मेरे साथ करवाओ, अब मैं आती हूँ ड्रेसिंग पूरा साफ करके। ये मैंने यहाँ सारा फैला दिया है, अब करूँगी इसको साफ। हाँ अब आप इसको साफ करो, फिर मम्मा वहाँ से साफ करती हैं, फिर ये हम दोबारा से अरेंज करेंगे, सही है। ओके मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मेरे साथ काम कराती है। ये मैंने कहा लगती है साफ, ये मम्मा ने कर लिए। क्यों मम्मा ने किए ये? ये काट रहते थे कल ने मम्मा ने काट के साफ। ये कांच के थे इसलिए मम्मा ने साफ किए, क्योंकि फातिमा के लग जाती, और ये वाले जो है कांच के नहीं थे इसलिए मैंने
फातिमा को कहा कि आप ये साफ़ कर लें, तो ये सारे फातिमा ने साफ़ किया। अब हम इसको करेंगे अरेंज। ये है रूम स्प्रे, ये है बॉडी स्प्रे, सीक्रेट है ये बबली गाल है। यार ये बहुत ज़बरदस्त, इसका परफ्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है और मेरा ख़त्म हो गया। ये पिंक कलर का है, ये फातिमा लेके आई थी। ये हॉप है, ये हादी के बाबा को बहुत पसंद है। ये फॉग है, ये भी हादी के बाबा को बहुत पसंद है। अच्छा जी, एक ये है बॉडी स्प्रे नॉलेज, ये बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग जो है परफ्यूम्स लवर हैं, बॉडी स्प्रे लवर्स हैं, तो ये ज़रूर लीजिएगा। फातिमा मुझे बताने दें आप, ठीक है। ये है वाव वुडी फॉर मैन, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस सही है बस, मतलब के 10 out of 5। ये है वॉक गोल्ड, यार ये बहुत, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जाहिर सी बात है मैं तो ज़बरदस्त यूँ बोलूँगी ना, क्योंकि मैं तो लाई अपनी पसंद से हूँ और हादी के बाबा भी अपनी पसंद से लाए हैं, तो हमें जो पसंद है हमने तो वो ही लिया है ना। ये है कॉल मी मैक्सी, इसका परफ्यूम भी है मेरे पास, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये। ये रहा इसका परफ्यूम, देखें ख़त्म भी होने वाला है। अब जब भी मेरा चक्कर लगेगा मार्केट का, मुझे बाय करना लाजमी होगा। ये है मेरा बॉडी स्प्रे नाइस गर्ल, ड्रावी सिग्नेचर वालों का है ये, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो है ना बहुत सारे से फ्लेवर थे, यानी कि जो है ब्लैक में भी था, ब्लू में भी था, बहुत सारे थे जब मैं लेने गई तो, लेकिन मुझे ये ब्लैक बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसके जो है ना फ्रेगरेंस है। ये हमारे घर का सबसे बेकार है, ये कोई नहीं लगाता। ये देखें कितने टाइम से ये ऐसी पड़ा है। इसका नाम है फीलिंग्स, हालांकि ये है रसासी वालों का, रसासी वालों के परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, बट ये इसको लगाने के बाद कोई फीलिंग्स नहीं आती, बेकार है बिल्कुल, मतलब मत लें मैं ये कहूँगी। ये है एवरीवन, ये बजट फ्रेंडली भी है, यानी कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, तकरीबन लोगों के पास होगा। ये है अरमानी कोड, ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। ये जो है ना, अब यार मैं प्राइस नहीं बताऊंगी वरना आप लोग ये कहोगे कि शोखियाँ मार रही है और बता रही है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस मैं कहूँगी कि 100 out of 200, ठीक है। होप बहुत ज़बरदस्त है ये, तो कॉल मी आ गया था। मैं थोड़ा सेटिंग अरेंज करके रखती हूँ ना, तो ये अच्छा रहता है। ये वाला परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, इसका ना मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा यार, इसका अभी नाम याद आएगा ना फिर बताऊंगी मैं। ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये भी, बट बहुत अच्छा है। लकास्ट्रो, हाँ लकास्ट्रो इसका नाम ये है, ये यहाँ लिखा है शायद, हाँ ये लिखा। जेंट्स के लिए इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ये भी एक्सपेंसिव है। ये है क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर, ये मेरा फेवरेट है और ये काफ़ी पुरानी बॉटल हो गई है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और मैं इसको चुना चुना इस्तेमाल करती हूँ। सो देख सकते हैं थोड़े से जो है ना बॉटल पे स्क्रैचेस भी आए हुए हैं, बट ये बहुत अच्छी है और अभी भी इसके अंदर है, ठीक है। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे मांगा था, मैंने उससे कहा था ले जाना, बट वो नहीं लेके गई। अगर वो व्लॉग देख रही है तो समझ जाएगी वो। अच्छा, ये है रेमी मर्करी, ये सही है बस। इसका पिंक फ्लेवर शैलिस वालों का है ये, इसका पिंक जो होता ना वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो लेडीज़ था और ये जेंट्स है ब्लू, ठीक है। ये होप का मैंने बता दिया। ये भी है रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू रसासी का है, ये भी बहुत ज़बरदस्त, इसकी अच्छी खुशबू है। ये है अतर मायूबा, ये भी रसासी वालों का है। ये हमने जो है ना बहुत ज़्यादा, जब हम हज पे गए थे ना, ये हमने बहुत ढूंढ किसी, हमें एक शॉप पे ये मिला, बट इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं मिलेगा ये, लेकिन मिल जाएगा अगर आप लोग बाय करना चाहें तो,
कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती है, सब मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ना फर्स्ट कॉपी वगैरह का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सा जो है जब मैं परफ्यूम्स वगैरह बाय करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है यार कहीं कोई गलत चीज़ ना आ जाए कि फिर मुझे बाद में, क्योंकि जो फर्स्ट कॉपीज वगैरह होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ये पिन होल्डर भी मैंने खुद बनाया था, मेरा जो है हेयर स्प्रे का जो है बॉटल ख़त्म हो गई थी, मैंने उसका ढक्कन लिया और ये जो है ना अंदर की चैन थी, मेरा बैग ख़राब हो गया था तो उसकी की चैन निकली थी, वो गोल सी जो होती है वो मैंने इसके अंदर डाली और बस पिन्स लगाना शुरू कर दी, तो ये हमारा पिन होल्डर सिंपल सा अरेंज हो गया। यार इनको अरेंज करना भी ना एक महारत का काम है, वरना जगह जगह पड़ी मिलती है। और ये हमारे जो है ना दो टेडीज़ हैं, ही इज़ अ बॉय ही इज़ अ गर्ल शी इज़ अ गर्ल सॉरी ये देखा ये फातिमा के हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया अरेंज। हाँ अपने काम में लगी पड़ी हूँ ये अरेंज करने में, ये देखें इनके काम, ये डस्टिंग कर रही है लकड़ी के फर्नीचर पे पानी डाल डाल के जो है ना इसका सत्यानाश करने में लगी हुई और हाथ से डस्टिंग हो रही है। फातिमा आप नहाई भी हो बेटे, आप खड़े हो सर्दी में, खड़े हो जाओ फटाफट खड़े हो जाओ, सर्दी में इतना नहीं पानी में घुसते, खड़े हो शाबाश, आ इधर आ मम्मा खुद कर लेंगी, चल आ जाओ आ इधर, अच्छा हाथ पकड़ाओ, हाथ तो पकड़ा दो। गाइस को अल्लाह हाफिज़ तो बोल दो, अगले व्लॉग में मिलेंगे, दिखा इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर तो देखो ना, नहीं आपके फिर गाइस नाराज़ हो जाएंगे आपसे, इधर देख के ना बोलो अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा तो कर दो इधर देख के, अल्लाह हाफिज़, अब फिर काम पे लग गई।